आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं आराम खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने पथरौल थाना के एएसआई को रंगे हाथ 2000 रुपया रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मधुपुर अनुमंडल के पथरौल थाना के एएसआई शंभु यादव को निगरानी विभाग की टीम को मिली शिकायत के आधार पर रंगे हाथ 2000 रुपया रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। छापेमारी टीम की नेतृत्व निगरानी विभाग के डीएसपी मदन पासवान कर रहे थे। शिकायत पर टीम ने पथरौल बस स्टैंड के समीप पथरौल थाना के एएसआई शंभु यादव को गिरफ्तार किया। शंभु यादव पथरौल थाना में एएसआई के पद पर हैं। ग्राम बगनाडीह थाना पथरौल के रहने वाले चंदन ठाकुर के शिकायत पर निगरानी टीम ने छापेमारी कर 2000 रिश्वत लेते पथरौल थाना के एएसआई शंभु यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर दुमका लेकर चले गए। छापेमारी की टीम में इंस्पेक्टर दिनेश लाल, चंदन भारती, परमानंद बिरवा, जॉन टूडू शामिल थे। बताया जाता है कि ग्राम बघनाडी थाना पथरौल के कविता देवी पति जगत ठाकुर के आवेदन पर एक मामला है, जिसका केस नंबर 64/2020 है। धारा 323, 379, 354, 448, 540, 506 IRC के केस के तहत आरोपी से डील करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की गई थी। आरोपी के शिकायत पर निगरानी टीम की कार्रवाई पर एएसआई को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।